सब्सक्राइब कीजिए AQTech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ MS Word 2007 से लेकर 2016 तक स्पेल एंड ग्रामर का ये जो एरर आता है, तो उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर वो जो ग्रामर है वर्किंग नहीं होता है, तो उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे AQTech हिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो के नीचे जो रेड बॉक्स में सब्सक्राइब का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर सबसे पहले रिव्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेट लैंग्वेज जो दिख रही है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर, और एक ये जो ऑप्शन है डू नॉट चेक स्पेलिंग और ग्रामर, ये जो अनचेक है इसको हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद मैं आपको इंटर मार के यहाँ पर फिर से टाइप करके दिखाऊंगा। ओके, तो उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो विंडो MS वर्ड का जो लोगो दिख रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पर वर्ड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर प्रूफिंग के ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर चेक स्पेलिंग एज यू टाइप, इसके ऊपर भी क्लिक करना है। मार्क ग्रामर एरर्स एज यू टाइप, इसके ऊपर भी आपको क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिक आ जाएगा नीचे वाला ऑप्शन, फोर्थ वन ऑप्शन। तो उसके बाद आपको यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो भी मैंने यहाँ पर टाइप किया था, इसके नीचे रेड लाइन नहीं आ रही थी, तो अब यहाँ पर रेड लाइन आना स्टार्ट हो गई है। अब जब भी आप गलत टाइप करेंगे MS वर्ड में, तो आपके पास अंडरलाइन आ जाएगी रेड कलर की। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। AQTech हिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो के नीचे जो रेड बॉक्स में सब्सक्राइब का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब करें।